आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। सीएम योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से मथुरा में ग्राम लोहवन के एक स्कूली कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां बच्चों ने उन्हें वंदे मातरम सुनाया और पुष्प भेंट किए। इस मौके पर सीएम ने ग्रामीणों को सफाई का संदेश देते हुए ग्रामीण विकास के लिए मथुरा की पेयजल समस्या से निजात दिलाने की बात कही। वहीं उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। इस दौरान ब्रज क्षेत्र को पर्यटन से जोड़ने की बात कहते हुए तीर्थस्थल घोषित करने की बात कही। इस पेइंग गेस्ट के साथ जोड़ना प्रारंभ कर देंगे। आज की जनता भी पर्यटक आज के यहाँ पर आता है, श्रद्धालुओं के यहाँ श्रद्धालु जन यहाँ आता है, इसमें कई गुना वृद्धि होती भी दिखाई देगी, क्योंकि जो व्यक्ति अपने घर में रखेगा उसकी सुरक्षा की भी चिंता करेगा और साथ साथ उसे किसी भी प्रकार का कष्ट न हो वह भी ध्यान रखेगा। हमें ध्यान कर रखना पड़ेगा स्वच्छता का। मथुरा में बरसाना के प्रमुख श्रीजी मंदिर में बड़ी ही धूमधाम से लड्डू होली खेली गई। बरसाना की लठमार होली से ठीक एक दिन पहले खेली जाने वाली इस लड्डू होली का ब्रज में विशेष महत्व माना जाता है। बताते हैं कि इस दिन नंदगांव के हुरियारों को न्योता देकर पांडा बरसाना लौटता है, जिसका सभी लड्डू फेंक कर स्वागत करते हैं। वहीं लाडली मंदिर में खेली गई लड्डू होली को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु उमड़ पड़े। मुजफ्फरनगर में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर शिव चौक पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हिस्सा लेने पहुंचे भाजपा के विधायक विक्रम सैनी ने एक विवादित बयान दिया। दरअसल विधायक ने स्वास्थ्य विभाग के स्लोगन हम दो हमारे दो पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब तक सबके लिए एक समान नियम नहीं बन जाते तब तक हिंदू भाइयों को छूट है। इस दौरान विधायक अपनी पत्नी के सम्मान को लेकर भी तंज कसते हुए नजर आए। मुजफ्फरनगर में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए का लेन देन दोस्तों को भारी पड़ गया। दरअसल कुछ दिन पहले पुलिस को एक युवक का शव बरामद हुआ था, वहीं इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक के दोस्त को गिरफ्तार किया है, जिसने रुपयों के लेन देन को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मृतक के मोबाइल और कई अहम सबूतों को इकट्ठा करने के बाद हत्यारोपी दोस्त को जेल भेज दिया। बांदा के बबेली तहसील के अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष की अगुवाई में न्यायिक तहसीलदार को हटाने की मांग करते हुए उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्य सचिव लखनऊ को एक ज्ञापन भेजा। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए बताया कि यहां का तहसीलदार भ्रष्ट है, जो लोगों से सही आचरण नहीं करता है, साथ ही गरीबों से काम करने के लिए रिश्वत की मांग करता है, तो वहीं अधिकारियों से भी वसूली करवाई जाती है। सरकार की सामूहिक विवाह योजना का असर ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिला, जहां बांदा के निषाद समुदाय के लोगों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 30 नव दंपतियों का विवाह संपन्न कराया गया। इस आयोजन में स्थानीय विधायक के साथ केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी शामिल हुई और आयोजकों का हौसला बढ़ाया। इस मरका ग्राम पंचायत के और आगे पीछे के लोगों की 30 शादियां की है। ये एक समाज में प्रेरणा का एक रास्ता बनेगा कि कम खर्चे में 30 लोगों की शादी होना एक मायने रखता है। यदि इस तरह से शादियां हों तो मुझे लग रहा है खर्चा भी कम होगा और सामूहिक शादियों की दंपत्ति कभी आपस में टूटते नहीं है, क्योंकि उनको एक खुशी होती है कि इतने लोगों के बीच में, इतने लोगों के मध्य में हम लोगों का एक पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ उन परिवारों को और धन्यवाद देती हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, हमारी सरकार को। शाहजहांपुर में संत गाडगे की 142वीं जयंती के अवसर पर संत गाडगे सेवा संस्थान द्वारा गाडगे पैलेस में उनका जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर गाडगे पैलेस से एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। कार्यक्रम के दौरान सेवा समिति के संयोजक ने बताया कि संत गाडगे दलितों के सच्चे हमदर्द थे। वहीं उन्होंने गाडगे जी को स्वच्छ भारत अभियान का जनक बताते हुए गांधी जी का प्रेरणा सूत्र भी बताया। मंडलायुक्त गोरखपुर अनिल कुमार कुशीनगर के तमकुहीरास तहसील का मुआयना करने पहुंचे, जहां उन्होंने मुआयने के दौरान अभिलेखागार और राजस्व वसूली कक्ष सहित अन्य कार्यालयों का निरीक्षण कर मातहतों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान एक निजी कमरे में लंबित पत्रावलियों को रखने की बात सामने आई, जिस पर मंडलायुक्त ने रूम का ताला तोड़वा दिया और वहां मिली फाइलों के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही। बुलंदशहर में जहांगीराबाद पुलिस और बदमाशों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हो गई, जिसमें दो बदमाश घायल होने पर पुलिस की गिरफ्त में आ गए, जबकि एक अन्य बदमाश को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। वहीं बदमाशों की एक गोली एसओ को भी लगी, लेकिन गनीमत रही कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने के कारण एसओ को कोई हानि नहीं हुई।
मऊ में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सनसनी फैलाने वाला एक मामला सामने आया, जहां बताया गया कि जिले में 1500 से अधिक टीबी के मरीज हैं। वहीं इस बारे में जानकारी होने पर क्षय रोग के नोडल अधिकारी ने क्षय रोगियों के इलाज के लिए टीम गठित कर कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए एक कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिससे जनता समय समय पर क्षय रोग की जाँच करा सके। मऊ के मोहम्मदाबाद गौना इलाके में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते परिजन अपने मरीज को ठेले पर ले जाने को मजबूर दिखे। पीड़ित व्यक्ति का आरोप है कि उसकी मां लकवाग्रस्त है, जिनको अस्पताल ले जाने के लिए उसने एम्बुलेंस को फोन किया था, लेकिन एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची, जिस कारण उसे अपनी मां को एक ठेले पर इलाज के लिए CHC लाना पड़ा। वहीं उसे यहां भी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली, जहां दवा उपलब्ध न होने पर मरीज को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। मऊ में ताजिया कमेटी के पदाधिकारियों ने सऊदी सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान कमेटी के लोगों ने सऊदी सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि कई वर्षों से सऊदी अरब के मदीना शहर में स्थित फातिमा जहरा की मजार को सऊदी सरकार ने किन्हीं कारणों से तुड़वा दिया है, जिससे ताजिया कमेटी के लोग आक्रोशित हो गए हैं। वहीं उन्होंने मांग की है कि सऊदी सरकार फातिमा जहरा की मजार को पुनर्निर्माण कराए, नहीं तो वह आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।